देश का अन्नदाता परेशान है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे वो बार बार लगातार जूझ रहा है। उसकी किसानी खेती करने का जो तरीका है वो भी कई वर्ष पुराना है। उसकी खेती टिकी है प्राकृतिक साधनों पर। पानी का इंतजार करता है ताकि ठीक ढंग से बुआई हो सके, सिंचाई हो सके, तो कभी टिड्डियों जैसी आपदाओं से भी किसान जूझ रहा है। इन्हीं सब के बीच में हमारे देश की सरकारें कितनी बार बदल चुकी हैं। हर सरकार आई, उन्होंने वादे किए, दावे किए, सरकारें चली गई। लेकिन क्या देश के अन्नदाता की असल समस्या तक कोई पहुंचा है? उस देश के अन्नदाता की असल समस्या तक पहुंचाने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विजय बंगाली के पास। विजय बंगाली ने जाना किसानों से उनके दिल का हाल। क्या कहा किसानों ने, आइए सुनाते हैं। जिला के हाड़ीपलिया तहसील के ग्राम नानूखेड़ा में यहाँ पर जानेंगे किसानों से उनकी समस्याएं। और सबसे बड़ा सवाल तो किसानों के साथ चुनाव को लेकर हो रहा है। तो किसान को लेकर चुनावी दौर की अगर बात करें तो कई चुनावों के परिणाम किसानों की ही बदौलत घोषित हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधार पाई है। क्या है बड़ी वजह, हम जानते किसान भाई से। सर्वप्रथम तो जो है मैं अपने उद्गार से एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ने मुझसे प्रश्न करा कि चुनावी दौर में सरकार ने क्या क्या काम किए और क्या क्या हुआ। चुनाव जो है प्रजा ने, किसान ने, सभी ने मिलकर जो है सरकार को चुना है। लेकिन सरकार जो है किसान हित के लिए इतने अच्छे ठोस कदम नहीं उठा पा रही है जो होना चाहिए। कई बार किसानों के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई, परंतु उसको भी सही तरीके से कोई भी सरकार नहीं निपटा पाई। 15 साल के पश्चात मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी, किसानों का क्रमबद्ध कार्यक्रम का चार्ट उन्होंने बनाया, 15 महीने तक सरकार सुचारू रूप से चली। योग से विश्व की जो है महामारी के कारण देश में भी कोरोना ने प्रवेश कर लिया, उस पर भी आम नागरिकों को ये पता है कि कोरोना काल में कितनी मुसीबतें आम लोगों को आई। सरकार ने लॉकडाउन किया, 2-2.5 महीने तक परेशान रहे, लेकिन वही पहला दिन का पहला दिन ही सामने वापस आया। इससे तो बेहतर था जहाँ पर हॉट स्पॉट थे उन्हीं को कंट्रोल जैसे अब वर्तमान में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अगर चलता रहता कार्यक्रम तो जनहित में और भी अच्छे कदम मिलते और इतनी देश की आर्थिक व्यवस्था भी नहीं बिगड़ती। सर जैसे कर्ज माफ़ी वगैरह है, कर्ज माफ़ी है, उसके बाद में अभी गेहूं जो तुलाए गए थे उसका भी पैसा आया नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे? बहुत सारे किसानों की से चर्चाएं हमने सुनी है, हमारे मित्र मंडल टाइप जो किसान आसपास रहते हैं हम उनसे चर्चा करते रहते हैं कि भाई आपका गेहूं का पैसा आया नहीं। बहुत सारे किसान नहीं आया, बहुत सारे किसान बैंक के चक्कर लगाते हैं फिर कह देते नहीं आया, और कई सोसाइटियों में गोदाम में माल न जा पाने के कारण वो पानी में भीग कर सड़ रहा है। ये टीवी के माध्यम से देखा है हमने और कुछ किसानों के मुंह से भी चर्चाएं सुनी। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, ना मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, केवल लोगों की सुनी सुनी बातों के आधार पर मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, और दूरदर्शन के आधार पर जो टीवी में प्रसारण हो रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि किसान ने उस माल की तवज्जो न करते हुए सही उचित समय में उसको गोदामों में नहीं पहुँचाया। जैसे कि सर जैविक खाद, उसके बाद में कीटनाशक यूरिया MP, इसका बहुत ही ज़्यादा किसानों को बहुत ही ज़्यादा कुछ मेहनत करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो सारा नहीं स्टॉक हो पाता है, इसका क्या कारण रहता है? इसके कारण बहुत सारे हैं, एक कारण नहीं अनेक कारण हैं। प्राकृतिक जो है मौसम नहीं मिलना कृषि के लिए हानिकारक है, प्राकृतिक आपदा कारण ओलावृष्टि हो जाना वो भी प्राकृतिक आपदा में आता है,
सरकार को केवल जो है जनहित के कार्य करना चाहिए। सरकार को इधर उधर न भटकते हुए लाखों करोड़ों अरबों की योजनाओं को पानी में बहने के बजाय एक ऐसा चार्ट बनाना चाहिए जो कि शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली ऐसे कई प्रकार के अनेक जनहित में जो सार्वजनिक कार्यक्रम हैं वो करना चाहिए। सरकार केवल जो है बातों बातों में, सुनी अनसुनी में धन का दुरुपयोग करके, अभी जो है मैं इन बातों को बताना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिन लोगों को, गरीबों को सहायता न मिलते हुए हम जैसे बहुत सारे विकासशील किसानों को भी जो है वो फ़ायदा ले रहे हैं, उसका कोई नाप तोल नहीं है, न कोई जांच है, न कोई पड़ताल है। अभी अभी जो है मध्य प्रदेश में जो सरकार अभी गिरी है कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी सरकार का इस प्रकार का चार्ट था कि वो उसको इस प्रकार से फ्रेमिंग करना चाहते थे, जो उसको गति देना चाहते थे, वो गति के पहले ही उसको जो है गिरा दिया गया। प्रजातंत्र में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ये जनता के हित के खिलाफ है, क्योंकि जिस सरकार को जनादेश के द्वारा चुना गया है उस सरकार को समय पूरा करने देना चाहिए। ये खरोत फरोस्त वाली मामला, ये MLO को खरीदना, MLO को बहकाना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, न देश हित में, न राज्य हित में, न जनहित में। वही सर, आपने बताया कि सरकार को ये करना चाहिए और अभी 22 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहीं एक हाटपिपला विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ पर जो पहले कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी थे अब BJP में शामिल हो गए, वहीं उसके बाद में कांग्रेस से जिनके पिता श्री तकरीबन विधानसभा क्षेत्र 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, अब वो राजवीर सिंह बघेल अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव अपने आप में जो है अलग व्यक्तित्व हिसाब से रहता है, दूसरा जो है उसका कारण ये भी रहता है कि व्यक्ति विशेष की जो है जनता के ऊपर प्यार, दुलार, लाड़ ये होना चाहिए, दूसरा जनप्रिय होना चाहिए। मनोज भाई तो इस प्रकार से जो है चुन लिए गए थे, पार्टी का हित देखते हुए पार्टी के आधार पर चुने गए थे, परंतु उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई विकासशील कार्य नहीं किए, ना कोई उन्होंने अपना प्रभाव जमाया और क्षेत्र में उल्टा उन्होंने उस क्षेत्र में हानि के अलावा फ़ायदा नहीं उठाया। क्या लगता है शिवराज सरकार बनेगी या कमलनाथ? ये जनता के आधार पर है, जनता चाहेगी तो शिवराज सरकार बनेगी। 15 साल का कार्यकाल शिवराज जी का देख लिया है, ये 16वां साल वापस जो है सरकार भंग करने के बाद फिर बैठे हैं, उनसे अभी तक मंत्रिमंडल का सुधार नहीं हो पाया है। क्या इतने बड़े प्रदेश को 6 आदमी चला सकते हैं क्या? अभी दिग्विजय सिंह जी ने भी कैलाश विजयवर्गीय के पिता श्री स्वर्गीय श्री कैलाश जी जोशी, उनकी भी थोड़ी सी एक बड़ाई करी थी, तो क्या लगता है कि कैलाश दीपक जोशी को क्या कांग्रेस में क्या टिकट मिलेगा? इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। कैलाश जी के जो है सुपुत्र दीपक जी को टिकट मिले न मिले, दिव्य सिंह जी उनसे क्या चर्चा हुई, ये मेरे को नहीं जानकारी है। ठीक है, अभी हमारे किसान भाई थे जिनसे आपने बहुत कुछ जाना। अभी यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं हाटपिपला विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 172 से भी, और यहाँ पर किसानों की समस्या के लिए भी जाना, खाद बीज के बारे में भी जाना। बने रहिए खबर अंडे के साथ, विजय बंगाली। बिगा का बाहर बेचना ही है, उसके बाद लाइट की परेशानी है, उसको खाद बीज की, सोयाबीन की फसल अगली बोना है, उसकी परेशानी है, पेमेंट आपके हो नहीं रहे, किसान की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, इस पर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अभी तक प्याज का जो भावांतर था वो भावांतर को भी अगर बात करें तो अभी तक कोई भावांतर का किसानों तक पैसा क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? ये सरकार की पॉलिसी है, अपना वोट लेने के लिए घोषणाएं कर दी जाती हैं। हाटपिपला विधानसभा क्षेत्र में कई गांव प्याज के भावांतर नहीं मिल पाने से किसान परेशान हैं। कल मैं गया था, डेरिया साहू गांव है, वहां पे भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे, करीब 2 करोड़ रुपया प्याज के भावांतर का वहां पे भी बकाया है। इस तरीके से किसानों के साथ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगी की है। अभी तक जितने भी परिणाम आए चुनाव के सभी किसानों के ही ऊपर होते हैं, अब क्या लगता है कि किसानों के पर इस बार भी किसानी फैसला करेंगे? नहीं, स्वाभाविक है, किसान निर्णायक भूमिका निभाएंगे,
और हाटीपला विधानसभा क्षेत्र पूरा किसान बाहुल्य क्षेत्र है और 100% किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो दोगला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है और आज की तारीख में किसान पूरी तरीके से परेशान है, निश्चित तौर पर किसान इसका बदला लेंगे और कांग्रेस वहाँ अच्छे बहुमतों से चुनाव जीतेगी। भैया एक आखिरी सवाल, राजवर्धन सिंह जो आज 300-400 प्रमुख कार्यकर्ता के साथ में बीजेपी में शामिल हुए, क्या लगता है, बड़ा झटका लगता है कांग्रेस? स्वाभाविक है, सीधे तौर पे इन 22 लोगों ने जिनने कांग्रेस पार्टी ने जिनको सींचा, इनको वहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद पार्टी अपनी माँ जैसी संस्था से इन्होंने दोगला व्यवहार किया है और सरकार 15 साल में सरकार बनी थी, उस सरकार को इन्होंने अपने निजी स्वार्थ के पीछे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गिरा है। जनता इसको, इनके इस कृत्य का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। शिवराज सिंह का अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल ऑडियो वायरल हुआ था कि उसमें उन्होंने बोला था कि केंद्र की साजिश थी सरकार गिराना। स्वाभाविक है, शिवराज सिंह अकेले इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, ये तो केंद्रीय नेतृत्व ने ही उनको इशारा किया, तभी उन्हीं के सहयोग से सरकार गिरी है। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 172 हाटीपला के राजवीर सिंह बघेल साहब, जिन्होंने कांग्रेस और किसानों के मुद्दे पर बहुत सारी बात करी। किसानों के हित में देखो, हमने किसानों के, हमारे यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या थी जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय कम से कम 1200 हमारे युवा किसान साथियों के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज थे, हमने उनको वचन दिया था कि हमारी सरकार बनते ही आपके प्रकरण वापस होंगे। 1.25 साल तक उन प्रकरणों की वापसी नहीं हुई थी, इसके बाद उनके सजा होने की संभावना हो गई थी, अंतिम वो काम हो नहीं पाया था। लेकिन अभी मैं धन्यवाद दूंगा शिवराज सिंह जी को, सिंधिया जी को, जिन्होंने 30 अप्रैल के दिन 2020 को ये आदेश जारी कर दिए कि ये प्रकरण वापसी हो। कर्ज माफी वाले मामले में हम 50 तरह की बातें कर जाते हैं, यहाँ पर 50,000 तक के, 1,00,000 तक के जिन लोगों के कर्ज माफी के लिए प्रमाण पत्र भी दे दिए, उनको अभी सोसाइटियों में न तो पैसे आए, उनके ऊपर ब्याज अलग लगा दिया गया, कई लोग जाते हमें बार बार फोन लगाते, उनको खाद बीज तक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। जब तक आप ड्यू नहीं, आप जमा नहीं करोगे पैसे, तब तक हम खाद बीज तक नहीं देंगे। ये स्थितियाँ थी, इन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं किसानों से संबंधित। हमारे कहीं चलते हुए काम बंद हो गए थे, चाहे सड़कों का निर्माण हो या पीने के पानी की बात हो या दूसरी कई तरह की, हमारे यहाँ जो बहनें हैं जिनकी शादियाँ हुई थी उनको साल भर हो गए, उनके खातों में पैसे नहीं आए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शादी करा दी, इस विश्वास में उन्होंने लोगों से पैसे ले लिए थे कि कई महीने में 2 महीने में पैसे आ जाएंगे तो आपकी उधारी चुका देंगे, अपनी शादी करी, लेकिन उधार वाले उनके घर जा जाकर बैठ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लोग हमें परेशान करते हैं उस बारे में। यहाँ पर संबल योजना, पिछले 1 साल से संबल योजना बंद कर दी गई थी, कई 5,000 रुपये की राशि जो कोई स्वाभाविक मृत्यु के ऊपर हम 5,000 रुपये मान लो देते थे इस बात के लिए कि उनका क्रियाक्रम हो जाए, गरीब परिवार को इस बात का थोड़ी सी सहायता मिल जाए, वो सारी चीज़ें बंद हो गई थी। उन सब की लड़ाई लड़ते हुए आज हमने इस जनता की लड़ाई लड़ते हुए अपने पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि किसानों के प्रकरण वापसी हुई है, यहाँ हमारे सड़क महत्वपूर्ण उसका निर्माण शुरू हुआ, आज हम जहाँ पर आए हैं ये चाकरपुरा गाँव है, पिछले कई सालों से हजारों या नेताओं आ गए होंगे, बोल गए होंगे, लेकिन एक ने भी स्वीकृति नहीं करे, मैंने दो तरीके से यहाँ के पास दूसरे भी गाँव की स्वीकृति कराई और आज उसका भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी नहीं है, आम जनता की जीत है और ये आम जनता की जीत इनके विश्वास की जीत हुई है। अरे ये कर्ज माफी कर देता तो हमको त्याग पत्र थोड़ी देना पड़ता है यहाँ पर भैया, अरे इसीलिए तो हमें त्याग पत्र देकर आना पड़ा है। मैं एक बात बता दूं आपको, इन सब बातों को लेकर जब सिंधिया जी ने भरे मंच से हजारों की संख्या में जनता थी कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा और अगर लड़ाई लड़ते हुए आपको आपका हक दिलाऊंगा, अगर हक नहीं मिला तो आपके साथ सड़कों पे उतर जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि उतर जाओ सड़कों पे, तो ये सड़कों पे उतर जाने वाली बात थी, वो उनने सिंधिया जी का अपमान नहीं किया था, एक एक उस मतदाता का अपमान किया था जिनने उस समय उस सरकार बनाने में विश्वास किया था, एक एक मतदान जिनने हमें आशीर्वाद दिया था और सरकार बनाई थी, लोग उस मतदाता का अपमान अगर कर रहे हैं तो वो कभी जीवन में सहन नहीं करेंगे, ना हम और ना जनता। आखिरी सवाल की, जब मैं कैसा चल रहा है आपके सामने है, ये जनता से पूछो, अगर इनकी लड़ाई लड़ते हुए हमने सब कुछ न्योछार कर दिया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ाई जो चालू, मैंने क्या कहा कि जो पहले के जो चलते हुए काम वो रुक गए थे, सारे बंद हो गए थे, उन कामों को चालू करवाना ही तो हमारी प्राथमिकता है और उनको करवाएंगे। ये थे हमारे साथ में बीजेपी के
उम्मीदवार और इन्होंने हमारे जो बताया आपने भी देखा, बने रहिए खबर अपडेट। तो देश के अन्नदाता को सिर्फ कर्ज नहीं चाहिए, देश के अन्नदाता को सिर्फ कर्ज मुक्ति नहीं चाहिए, देश के अन्नदाता को जरूरी है शिक्षा देना, उसे जरूरी है अपडेट करना, जरूरी है किसानी को, खेती किसानी को उन्नत बनाना। जब तक हम खेती को फायदे का धंधा नहीं बनाएंगे, तब तक किसान हमारे देश का अन्नदाता, जिस पर हमारे देश की 70% अर्थव्यवस्था टिकी है, वह रहेगा कमजोर और करता रहेगा आत्महत्या।